इस समय हम रामबन के संगलदान में मौजूद हैं। संगलदान रेलवे स्टेशन का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जोरदार ओलावृष्टि हो रही है, यहाँ पर मौसम खराब है और लगातार रह रहकर बारिश और बर्फबारी की खबरें आ रही हैं। ऐसे में संगलदान स्टेशन हम आपको दिखा रहे हैं और संगलदान पर हो रही ओलावृष्टि देखिए, और लगातार यह ओलावृष्टि हो रही है। यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, आज वो दिन है जब यहाँ से ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। ट्रेन सज संवर कर खड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं, और यह दृश्य है अपने आप में खास हो जाता है। खास इसलिए हो जाता है क्योंकि हम बार बार कह रहे थे कि खराब मौसम से कैसे यात्रा करें, तो उसके लिए ट्रेन एक मुफीद चीज कही जा सकती है। और यहाँ देखिए ओलों की चादर बिछ रही है, पूरा का पूरा स्टेशन एक अलग ढंग में नजर आ रहा है, अलग ढंग का स्टेशन एक अलग अंदाज में यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, इस समय की बात करें तो दो दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कश्मीर घाटी से लेकर जम्मू रीजन और इसी के साथ उत्तराखंड और हिमाचल में भी मौसम बदल चुका है। मैदानी इलाकों में भी रह रहकर बारिश का सिलसिला चल रहा है, यानी एक बड़े इलाके में मौसम ने करवट ले ली है। और यहाँ संगलदान में हो रही ओलावृष्टि हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के ओले छोटे छोटे होते हैं क्योंकि इनको नीचे उतरते उतरते टाइम लग जाता है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस जगह की अगर हम बात करें तो इस जगह पर बर्फबारी भी होती है। जब ज्यादा मौसम खराब होता है तो यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो संगलदान के ओले हम आपको दिखा रहे हैं और यह संगलदान का अलग तरीके का नेचर है। और यहाँ पर एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, 48 किलोमीटर लंबा सेक्शन ओपन हो रहा है। संगलदान से लेकर बनिहाल के बीच में 48.1 किलोमीटर लंबा सेक्शन है। और यहाँ पर जो स्टेशन है उनकी अगर हम बात करें तो संगलदान को हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ों को काटा गया है और उसके बाद स्टेबलाइज किया गया है, खास तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया क्योंकि पहाड़ पर समतल जगह मिलनी मुश्किल होती है। 1 किलोमीटर लंबा यह स्टेशन है और इसमें 3-3 प्लेटफार्म है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, यह स्टेशन अपने आप में इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यह दूर दराज का इलाका है। और यहाँ पर जब ट्रेन संगलदान से रवाना होगी तो दोनों तरफ टनल्स हैं, यानी बनिहाल जाए तब भी टनल मिलेगी, और अगर हम कह सकते हैं कि कटरा जाएगी जब ट्रेन तब भी टनल मिलेगी, यानी दोनों तरफ टनल्स हैं। यहाँ पर एक और चीज़ खास हो जाती है, खास ये होता है कि यह स्टेशन टनल के अंदर भी मौजूद है, यानी इतनी जगह नहीं थी कि इसको ओपन में पूरी तरीके से बनाया जा सके। 1 किलोमीटर लंबा यह स्टेशन एक नए युग का आगाज कर रहा है, क्योंकि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि संगलदान में इस तरीके की कनेक्टिविटी मिलेगी, इस तरीके से ट्रेनों की आवाजाही शुरू होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेन सज धज कर तैयार है, और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से ट्रेन चलने को तैयार है। और आने वाले दिनों में इस स्टेशन की बात करें तो यहाँ तरह तरह की ट्रेनें आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ एक तरफ वंदे भारत जैसी ट्रेनें होंगी तो दूसरी तरफ EMU होगी, वंदे मेट्रो भी चलेगी। इस तरीके की तमाम ट्रेनों की जो कनेक्टिविटी है वो इस इलाके को एक अलग अंदाज में अलग तरीके से बदल देगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन संगलदान।